हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और आज का वीडियो है 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट्स के लिए। HSC बोर्ड्स 2024 का अगला पेपर फिजिक्स का है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि फिजिक्स का इतना सारा सिलेबस एक बार में एक दिन में वो कैसे कवर करेंगे, क्योंकि डाइजेस्ट में भी नोट्स बहुत ज्यादा लेंदी है, टेक्स्ट बुक का कॉन्टेंट भी बहुत ज्यादा है, 21 सेट से भी अगर आप पढ़ते हो तो भी उसमें बहुत सारा मटेरियल है। और सबसे मेन चीज, जहां कहीं पर भी जो भी कंटेंट दिया गया है उसको जो लिखा गया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है जिसको स्टूडेंट पढ़कर याद नहीं रख पाते। तो हमने आपके लिए सॉल्यूशन लाया है। विशाल क्लासेस आपको हर चैप्टर का इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आवर ओन आंसर हमने आंसर बनाया है। और आंसर इतना सिंपल है कि एक बार पढ़ के आप उस आंसर को याद रख सकते हो। वेरी सिंपल लैंग्वेज, एकदम स्टूडेंट लैंग्वेज में उसको बनाया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं उसमें से 50 मार्क्स का क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में आने वाले हैं। अगर आप मेरे कोई भी वीडियोज नहीं देखे हो तो चैनल पर देखो, इसके पहले के जो 10 चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंस मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखोगे, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने हमारा वेबसाइट ओपन होगा विशाल ई क्लासेस का। स्क्रॉल करके नीचे 12th साइंस पे जाना है आपको। आप जैसे ही 12th साइंस ओपन करोगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये टैब दिखेंगे। मतलब बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंस और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके लिए, 12th साइंस के लिए इंपॉर्टेंस अपलोड करूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अभी हम फिजिक्स इंपॉर्टेंस पे क्लिक करेंगे और 11th चैप्टर का इंपॉर्टेंस ओपन करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर पेज ओपन हो गया है, ये क्वेश्चन है और उसके साथ ये सिंपली एकदम सिंपल फॉर्मेट में आंसर भी दिया गया है। ये आंसर कहीं से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है, ये खुद से बनाया गया आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम के पहले इस चैप्टर का इतना पढ़ लेते हो आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। जो बच्चे अभी अभी अपना प्रिपेरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा है आप ये क्वेश्चंस पढ़ लो। अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हुबहू ऐसा ही एग्जाम में आएगा, बट इस रिलेटेड जो टॉपिक है, मैंने जितने भी टॉपिक मेरे इसमें कवर किए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने इन क्वेश्चंस में डाले हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आपको आएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो। इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप सारे 12th साइंस स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर चैनल पे व्यूज आते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंस आपके लिए बनाऊंगा। आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी डाउट अभी अगर आपके पास रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अलग से टेलीग्राम चैनल है जहां पर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डायग्राम कौन से इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश कौन से इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन प्रेस करो, जो ऐसा करेंगे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।